पीएम मोदी को लेकर सीएम योगी ने कही बड़ी बात, बोले पूरे दुनिया में हो रही भारत की चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के नेतृत्व की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग लालायित हैं, लोगों का विश्वास भारत के प्रति बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं एवं नौजवानों के लिए आशा व विश्वास का प्रतीक बना रही है। अनुष्का शर्मा का स्टेडियम में आना बैन करो, WTC फाइनल में मिली हार के बाद फैंस ने एक्ट्रेस को बताया पनौती। भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पर विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। किसानों के खाते में आएंगे 15 लाख रुपए, जानिए कैसे उठाएं इसका फायदा। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। ये योजनाएं किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए चलाई जा रही। सरकार ने एक नई स्कीम चलानी शुरू की है। इस स्कीम में किसानों को 15 लाख रुपए की मदद मिलेगी। भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा साइक्लोन बिपरजॉय, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से केरल और मुंबई के समंदर में हलचल देखने को मिल रही है। हाई टाइड के बीच समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ जिले से गुजरेगा, जो 15 जून को पाकिस्तान की कराची तट तक पहुँच सकता है। 500 रुपए में कागज का सिलेंडर भी नहीं आता है, कांग्रेस के वादे पर केंद्रीय मंत्री का तंज। MP में कांग्रेस ने गरीब परिवारों को 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा किया है। इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि कांग्रेस इस तरह की घोषणाएं करेगी क्योंकि वह सरकार में नहीं है, वे सत्ता में आने के लिए ऐसा कहेंगे। हत्या साबित करना मुश्किल, 100 के 35 टुकड़ों में चार की होगी जांच। सभी महत्वपूर्ण अंगों को पहले ही ठिकाने लगाया जा चुका है, इसलिए इस बर्बर हत्या को हत्या साबित करना बहुत मुश्किल हो गया है। जांच के लिए 100 के टुकड़े के नमूने भेजे जा चुके हैं। फॉरेंसिक टीम और सबूत जुटाने के लिए जल्द ही घटना स्थल पर फिर जाएगी। हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी की, वलीमा का कार्ड देखने के बाद माँ बाप ने मृत्यु भोज करा दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़की के घर वालों ने जिंदा रहते उसका पिंडदान कर दिया, उसके नाम पर मृत्यु भोज भी करवाया। माता पिता का कहना है कि लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी करके उनके साथ धोखा किया है। हालांकि लड़का लड़की ने कानूनी तौर पर शादी की, लेकिन लड़के वाले की तरफ से जारी वलीमा का कार्ड देखकर उन्हें आपत्ति हुई। MP में बच्चियों के लिए हिजाब अनिवार्य करने वाले गंगा जमुना स्कूल पर चलेगा बुलडोजर। मध्य प्रदेश का दमोह शहर यहां के गंगा जमुना स्कूल को तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के लाखों किसानों की 14वीं किस्त पर मंडरा रहे संकट के बादल, जल्द करें ये काम। बिहार के 12 लाख से अधिक किस्तकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं। राज्य से किसान सम्मान निधि लेने वाले 84 लाख किसानों में 12 लाख से अधिक किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ई KYC नहीं कराई है।